नमस्कार, मैं हूं मानव डोभाल और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। उधम सिंह नगर जिले से सटे लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र में डोली वन रेंज के घने जंगलों के बीच प्राचीन राजपाल मंदिर में 11 दिवसीय शिव पुराण कथा का भव्य शुभारंभ हुआ। कथा शुरू होने से पहले भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद कथावाचक शास्त्री नवीन चंद्र पांडे ने 24,000 श्लोकों के माध्यम से शिव पुराण का संगीतमय बखान किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान आसपास के गांव से सैकड़ों शिव भक्त भी सम्मिलित हुए। इस बीच कथावाचक नवीन चंद्र पांडे ने कहा कि भक्तों के हृदय में ही परमात्मा का वास होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मनुष्य को छल और कपट से परे जीवन का यापन करना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन सफल हो पाएगा। उधम सिंह नगर से संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। डोली रेंज के लालगुआ क्षेत्र में राजपाल मंदिर घने जंगल से घिरा हुआ है। यहाँ पर आप आए हैं, शिव पुराण चल रहा है 11 दिन का, तो इसमें संगीतमय भागवत कथा का वर्णन चल रहा है, इसके बारे में भक्तों को या अपने उनको बताएं कुछ। आदंत मंगल मजात समान भावम आर्यम तमी समजरा मरमात्म देवम पंचाननम प्रवलपम च विनोदशीलम संभावे मनस शंकर मम्बिकेशम। भगवान शिव के समस्त विग्रहों सहित प्रत्येक प्राणी मात्र के कल्याण की वृत्ति को अवधारित किया हुआ एक दिव्य पथ प्रदर्शक यह शिव महापुराण है। शिवम कल्याणम इत्यर्थ। भगवान महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर भक्तों की कामनाएं अहर्निश स्वल्प समय में पूर्ण करते हैं। इसी विषय हेतु व्यास जी के द्वारा लिखित 24,000 श्लोकों एवं सात संहिताओं के माध्यम से शिव की विविध प्रकार की लीलाओं का व्याख्यान इस शिव महापुराण में कहा गया है। और कलयुग में मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त करने की क्षमता भगवान महादेव में कही जाती है, इसलिए भगवान का एक नाम महामृत्युंजय है। इसका एक मंत्र भी त्र्यंबकम यजामहे यह इस प्रकार से वेद में जो वर्णित है। शिव की ही एक ऐसी अद्भुत अलौकिक अनुकंपा जीव के ऊपर अनायास प्राप्त हो जाती है। बहुत कम समय में उनकी पूजा करने के माध्यम से इन सारी बातों का विशद रूप में इस महापुराण में वर्णन है। पहले विदेश्वर संहिता में ही पार्थिव पूजन का विधान कहा गया है। पार्थिव पूजन के माध्यम से हम अपने जीवन में उत्तरोत्तर हर्ष अभ्युदय की संप्राप्ति हेतु श्रावण के महीने, मार्गशीर्ष के महीने, वैशाख के महीने, कार्तिक के महीने, माघ के महीने पूजन करते हैं। और अधिकांश 98% जो लोग पार्थिव पूजन करते हैं उन्हें यह कहते मैंने सुना है कि भगवान शिव की कृपा से पार्थिव पूजा के प्रसाद से हमारे घर में सुख समृद्धि धन पुत्र आदि की प्राप्ति हमें होती रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो जंगली जानवर जैसे बाघ हाथी इनके भागवत सुनने इनके कानों तक आवाज जाने से भी इनके मन को भी शांति मिलेगी। जी हाँ, इससे उनको भी मिलेगी। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए भगवान शिव का एक नाम पशुपति भी है, पशुओं के भी हैं। पशु नाम पतिम पापनाशम परेशम ऐसा एक श्लोक भी शिव महापुराण में आया है। प्रत्येक जीव मात्र जिसमें चलने वाले न चलने वाले चराचर सृष्टि जिनको हम कहते हैं इन्हें सबका आत्मकल्याण वो करते हैं। और भगवान शिव का जो परिवार है एक आदर्श परिवार के रूप में उपस्थित है। भगवान शिव भगवान माँ पार्वती गणेश जी और कार्तिक के व्यवहार में ही इनका भोजन इनका पहनावा यद्यपि एक दूसरे के भिन्न है। भगवती जी शेर में बैठती हैं, भगवान शिव वृषभ में बैठते हैं बैल में। सामान्य जगत में बैल को शेर खा देता है, लेकिन भगवान के परिवार में यह व्यवस्था ऐसे है कि वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। दूसरा, भगवान शिव अपने गले में सर्प लपेट करके सारे संसार के विषयुक्त जितने कष्ट हैं उनको स्वयं प्राप्त करके अपने गले में अवधारित करते हैं, नीलकंठ के रूप में व्यवस्थित हैं। इधर यहाँ गणेश जी बैठते हैं मोर में और कार्तिकेय जी का वाहन है गणेश जी बैठते हैं मूसक में और कार्तिकेय जी का वाहन है मयूर। दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं और फिर भी एक दूसरे को कोई कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। अपने परिवार के व्यवहार मात्र से ही उन्होंने ये दिखाया कि हम भले ही किन किन हमारी विचारधारा भले भिन्न भिन्न हो, हमारा खान पान रहन सहन बात व्यवहार की व्यवस्था यद्यपि भिन्न हो तथापि समस्त रूप में जैसे मैं अवस्थित रहता हूँ इसी प्रकार प्रत्येक प्राणी को संसार में स्थित रहना चाहिए ताकि आपसी वैमनस्य जो अनाचार है जो दुराचार है जो भ्रष्टाचार है इसकी व्यवस्था इसका बीज बन अपने ही नहीं पाए।
है।